हेलो माय फ्रेंड्स। तो अब हम 2014 का पेपर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग 2014 का पेपर है। हम इसकी यूनिट वन का क्वेश्चन नंबर वन सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो ए कोल्ड स्टोरेज प्लांट इज रिक्वायर्ड 18 टन ऑफ फिश। द फिश इज सप्लाइड एट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट दी हुई है और हमें इसमें कैपेसिटी ऑफ द प्लांट निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। ए कोल्ड स्टोरेज प्लांट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 18 टन ऑफ फिश। द फिश इज सप्लाइड एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश अबव फ्रीजिंग पॉइंट इज 2.93 एंड द फिश इज स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज विच इज मेंटेन्ड एट -8 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फिश इज -4 डिग्री सेल्सियस। द लेटेंट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द फिश इज 235। इफ द प्लांट रिक्वायर्स 80 किलोवाट टू ड्राइव इट, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक्चुअली फिश जो सप्लाई करी गई है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर सप्लाई करी गई है, और जो कोल्ड स्टोरेज है फिश का सप्लाई टेम्परेचर कितना है, ठीक है। फिश जो सप्लाई करी गई है उसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। और जो कोल्ड स्टोरेज है उसका जो मेंटेन टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, कारनॉट सीओपी, ठीक है। कारनॉट सीओपी, तो कारनॉट सीओपी बेसिकली हमारा क्या होता है, TL डिवाइड बाय TH माइनस TL, ठीक है। नाउ लोअर टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 +273 डिवाइड बाय TH कितना दिया हुआ है हमें, 30, और TL कितना है, -8, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करके रखो, नहीं तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, दोनों से ही सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6.97, ठीक है। तो सबसे पहले आप 6.97 निकालना। अच्छा, आप सोच रहे हो यार -8 लिया हमने, -4 क्यों नहीं लिया। देखिए क्या होता है कि फिश का फ्रीजिंग पॉइंट तो -4 है, लेकिन वो कूल कहाँ तक करी जा रही है, -8 तक वो कूल करी जा रही है। तो जो लोअर टेम्परेचर हो जाएगा वो इसका -8, जो एक्चुअली फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो -8 है, ठीक है। तो यहाँ से सीओपी हमें मिल जाएगा। अब जो कारनॉट सीओपी होता है, ठीक है, ये किसका रेशियो होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन, ठीक है, या पावर रिक्वायर्ड। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, कारनॉट सीओपी 6.97 मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 80 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड है सिस्टम को ड्राइव करने के लिए। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 80। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 557.6 किलो वॉट, ठीक है। तो इतना ये आ जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो अगर इसको हम मिनट में लिखना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 33456 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये इस प्लांट की कैपेसिटी हो जाएगी, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3356 किलो जूल पर मिनट, या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम टन में, इसको डिवाइड कर दीजिए 210 से, तो इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 159.31 टन, ठीक है। नाउ अब हम इसमें निकालेंगे, उसने कहा है टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग, तो अब टाइम निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी कूलिंग करनी है। तो फिश का सप्लाई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और उसको कूल करना है अप टू -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले Q1 कितना हो जाएगा, फिश का वेट कितना है, 18 टन फिश है, ठीक है। और 1 टन में कितना होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। तो Q1 कितना हो जाएगा, mCp∆T, ठीक है। तो सबसे पहले कूलिंग जो होगी वो अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर होगी, तो 18 × 1000 मल्टीप्लाइड बाय सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हो जाएगा अबव फ्रीजिंग पॉइंट इज 2.93, ठीक है, इंटू 2.93 इंटू 30 -4, ठीक है। पहले कूलिंग होगी अप टू फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद Q2 कितना होगा, Q2 होगा फेस चेंज होगा, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ हमें फिश की दी हुई है, तो हम क्या होगा उसके बाद, फेस चेंज होगा, ठीक। जैसे वाटर के केस में होता है, पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, सपोज वाटर आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस पे है, और वाटर तो पहले वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है,
और फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, फेज चेंज होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे कितनी दी हुई है, 235। तो Q2 कितना हो जाएगा, 235, और Q3 कितना हो जाएगा, अब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे कूलिंग होगी, वो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10 क्यू इंटू स्पेसिफिक हीट। बिलो फ्रीजिंग कितनी दी हुई है, देखो अबव फ्रीजिंग हमें कितनी दी हुई है, 2.93, और बिलो फ्रीजिंग कितनी दी हुई है, यहाँ पे नोट नहीं करी क्या मैंने, बिलो फ्रीजिंग, ओके शायद यहाँ पे बिलो फ्रीजिंग मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट बिलो फ्रीजिंग यहाँ पे छूट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा, तो स्पेसिफिक हीट बिलो फ्रीजिंग इज इक्वल टू 1.26 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज छूट गई थी, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 1.26 इंटू -4 से -8 तक जाएगा, तो टोटल कूलिंग जो होगी, जो टोटल क्यू अचीव होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल क्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 18 इंटू 10,000 इंटू सीपी कितना है, 2.93 इंटू 30 माइनस फोर प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस -4 -8। ठीक है, इंटू यहाँ पे छूट गया 1.26। ठीक है, 1.26। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 611,388.2 किलो वॉट, नहीं किलो जूल, सॉरी ये किलो वॉट नहीं आएगा, किलो जूल आएगा। ठीक है, किलो जूल और किलो वॉट में डिफरेंस है, किलो जूल जो है वो हीट की यूनिट है और किलो वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक किलो जूल में आएगा। ठीक है, बता ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए टोटल उसे हीट कितनी रिमूव करनी है, इतनी हीट उसे रिमूव करनी है। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग, तो हमें कूलिंग चाहिए कितनी, 611,388.2 इतनी कूलिंग हमें चाहिए। ठीक है, तो इतनी कूलिंग अचीव करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हो कि एक मिनट में कितनी हीट रिमूव हो रही है, 33456 हीट रिमूव हो रही है पर मिनट, तो इतनी हीट हमें रिमूव करने के लिए कितने मिनट लगेंगे, तो आप इसको क्या, तो ये टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव कूलिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड 611,388.2 डिवाइड बाय 33456। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 611,388.2 डिवाइड बाय 33456। ठीक है, तो कितने मिनट लगेंगे, 182.74 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव द कूलिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को, वो कह रहा है कि एक मिनट में कितनी हीट रिमूव हो रही है। ठीक है, एक मिनट में कितनी हीट रिमूव हो रही है, तो एक मिनट में कितनी, 33,456 हीट रिमूव हो रही है। ठीक है, तो हमें टोटल हीट रिमूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, 182.74। ठीक है, तो दोनों हमारे आंसर आ गए, टाइम टेकन टू अचीव कूलिंग इज 182 मिनट्स और कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 159.31 टन। ठीक है, 159.31 टन। ठीक है, नाउ इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं।